डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 50 राज्यों की 538 में से उन्हें 277 सीटें मिली हैं। बता दें कि बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस उन्हें कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी 224 सीटें ही जीत पाई। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में दो बार महिला कैंडिडेट को हराया है। दिलचस्प बात यह भी है कि 2016 और 2024 के अलावा कभी भी कोई भी महिला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ी और दोनों ही महिलाओं के खिलाफ ट्रंप ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। पहली बार ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता है जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए। बताते चले कि सीनेट संसद का ऊपरी सदन है। इसकी 100 सीटों में हर राज्य के लिए 2 सीटों की हिस्सेदारी होती है। इस बार 34 सीटों पर चुनाव हुए। ताज़ा नतीजों के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने 51 सीटें हासिल की है जो बहुमत के बराबर है। जीत के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा, भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। याद दिला दें कि ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। इसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। ट्रंप की जीत के बाद कई देशों के लीडर्स ने उन्हें बधाई भी दी है।